हेलो एवरीवन, टेक्नोपीडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट TWS अंडर 3000 रुपीस। वैसे तो 3000 का बजट में बहुत सारा वायरलेस ईयरफोन ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में, एक दो कितना साल से चले आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कि लेटेस्ट में 3000 के बजट में सबसे अच्छा हेडफोन क्या चल रहा है और उसमें से आपको कौन सा लेना चाहिए। वैसे सबसे पहले तीन हेडफोन के बारे में बात करेंगे जो कि 3000 के बजट के अंदर ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक एक्सेप्शन में जाएंगे जो कि 3000 से थोड़ा ऊपर में आएगा, 3500 के आसपास उसका प्राइस है, तो वो अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप ओवर बजट जाना चाहते हैं 3000 से, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो लिस्ट का थर्ड नंबर ईयरफोन से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है OnePlus Nord Buds। स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर आपको 12.4 mm का ड्राइवर मिलता है जो कि एक टाइटेनियम ड्राइवर है, साथ में ब्लूटूथ 5.2 मिलेगा और वहीं इसके अंदर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप कॉल करते हैं जब ब्लूटूथ यूज करिएगा कॉल करने के टाइम, तो आपको AI नॉइस कैंसिलेशन मिलेगा, जिससे होगा क्या, आप कॉल करने के टाइम बाहर का आवाज़ थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन एकदम फुल्ली आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जैसा फील नहीं मिलने वाला है। तो कॉलिंग में तो आपको पता चलिए कि कितना नॉइस कैंसिलेशन आपको इसके अंदर मिलने वाला है, लेकिन एक चीज़ अच्छा है, इसके अंदर आपको 4 माइक मिलने वाला है, मतलब कॉल करने टाइम आपका हर एक हेडफोन में 2 माइक रहेगा, तो टोटल अगर आप दोनों हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, दोनों ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं, तो 4 माइक आपको टोटल मिल जाएगा। प्रोटेक्शन पर आते हैं, इसके अंदर आपको IP55 का डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिलता है जो कि ओवरऑल एक हेडफोन के लिए बहुत अच्छा है, पर आराम से उसको जीप में लेके जा सकते हैं, नॉर्मल वॉक पे हो या आपका क्राउडेड प्लेस हो, कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपका स्वेट और बारिश से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर बात करते हैं लेटेंसी के बारे में, तो यहाँ आपको 94 ms का लो लेटेंसी मिलता है फॉर प्रो गेमर्स। वैसे इसमें करना कुछ नहीं है, आप जब भी गेम खेलना स्टार्ट करते हैं आपको लो लेटेंसी चाहिए, ज़्यादा अच्छा फुटप्रिंट सुनने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए गेम के अंदर, तो ऐप में जा करके इसका लो लेटेंसी मोड ऑन कर दीजिए। तो ओवरऑल लुक, डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन में ये बहुत अच्छा है और प्राइस के अंदर भी आता है, वैल्यू फॉर मनी है, तो इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 2600 आपको लगेगा, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों में आपको ये मिल जाएगा। अब आते हैं लिस्ट का सेकंड नंबर बर्ड्स के बारे में जिसका नाम है Realme Buds Air 2। तो इसका भी स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर आपको 10 mm का ड्राइवर मिलने वाला है, ब्लूटूथ 5.2 आएगा, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसके अंदर आपको मिल रहा है, तो आप वो मोड ऑन कर सकते हैं कभी भी कॉल करने के टाइम, क्राउड प्लेस में हो, आपको गाना सुनना है, आसपास का आवाज़ आपको नहीं चाहिए, तो आप वो ऑन कर सकते हैं। और साथ में इसके अंदर आपको 2 माइक मिलने वाला है, 4 माइक नहीं मिलने वाला, लास्ट टाइम जैसा 2 माइक मिलेगा, एक हेडफोन के अंदर एक, दूसरे के अंदर दूसरा, तो इस डुअल माइक के अंदर आप आराम से बात कर सकते हैं और प्लस इसके अंदर ANC भी है, तो ANC यूज करने से आपका आसपास का आवाज अगला को नहीं आएगा कॉल में। बैटरी लाइफ में इसके अंदर आपको 25 आवर का लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलने वाला है केस के साथ, और साथ में इसके अंदर आपको फास्ट चार्जर भी मिल रहा है, तो वहाँ आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप यूज करिए और फिर चार्ज भी लगा दीजिए। रहा बात प्रोटेक्शन का, तो इसके अंदर आपको IPX5 का प्रोटेक्शन मिलेगा जो कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, प्रूफ नहीं है, तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। आप नॉर्मली जिम के अंदर जैसे कि हर एक हेडफोन आदमी यूज करता है मोस्टली ब्लूटूथ TWS, तो वहां आप इजीली यूज कर सकते हो, स्वेट से आपको कोई प्रॉब्लम इस ब्लूटूथ में नहीं होगा। और वहीं गेम खेलने टाइम इसके अंदर आपको और अच्छा फुटप्रिंट सुनाई देगा, आसपास का आवाज़, कौन कहाँ से आ रहा है, एनिमी कहाँ से आ रहा है, सब कुछ सुनाई देने वाला है, तो 88 ms का इसके अंदर आपको लो लेटेंसी मिल रहा है जिसको आप अच्छा से यूज़ कर सकते हैं। और अब बात रहा प्राइस का, तो ये जो एयरपॉड है Realme Buds Air 2, उसको खरीदने जाइएगा तो वो आपको पड़ेगा 3000 rupees। जी हाँ, फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों ही में 3000 rupees प्योर आपको इसका प्राइस पड़ेगा। और अब आते हैं हम लोग लिस्ट का सबसे बेस्ट ब्लूटूथ पर जो कि आपको 3000 के अंदर ईजिली मिल जाएगा, जिसका नाम है Jabra Elite 2। जी हाँ, सही पकड़े, ये ब्रांड का भी एयरपॉड आपको 3000 के अंदर इजीली मिल जाएगा। Elite 2 मॉडल जो है वो 3000 का, Elite 3 जाइएगा तो 4000-5000 तक स्टार्टिंग होगा आपको, तो ये आपका ओवरऑल बहुत अच्छा एयरपॉड है, बहुत अच्छा इसका बेस है। स्पेसिफिकेशन का बात करें तो इसके अंदर आपको 6 mm का ड्राइवर मिलने वाला है जो कि बहुत पंची बेस के साथ आता है और बहुत रिच साउंड मिलेगा इसमें। तो इसके अंदर आप ये एकदम मत सोचिएगा कि 6 mm का ड्राइवर क्या ही आपको रिजल्ट देगा, कहाँ आपका 12 mm 14 mm आपको ऐसे मिल रहा है और इसका 6 mm का रिजल्ट आपको कितना अच्छा ही मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर का ओवरऑल सॉफ्टवेयर, इसके अंदर का जो आपको गाना मिलेगा जब आप कान के अंदर इसको यूज करिएगा, तब पता चलेगा कि 6 mm का ड्राइवर भी कितना अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। और अब आगे की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलेगा, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन कॉल करने के टाइम इसके अंदर आपको नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ, थोड़ा ओल्ड मॉडल है इसी के लिए ANC नहीं है, लेकिन पैसिव नॉइस कैंसिलेशन इसके अंदर है। उसमें होगा क्या, आपका
कॉल करने के टाइम खास करके आप जब भी कॉल करिएगा तो आपको पूरा डिक्रीज तो नहीं कर देगा बाहर का आवाज, लेकिन थोड़ा कम जरूर करेगा। और वहीं इसके अंदर आपको डुअल माइक मिलता है कॉलिंग करने के लिए, एक के अंदर एक, दूसरे के अंदर दूसरा, तो आप एक एयरपॉड से कॉल करें या दोनों से करें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर साउंड आपको दोनों ही से ही मिलेगा। बैटरी लाइफ पर आ जाए तो इसके अंदर आपको 21 आवर का फुल बैटरी लाइफ मिलता है विद केस, और वहीं फास्ट चार्जिंग भी इसके अंदर है जो कि इजीली आपको जल्दी चार्ज करके दे देगा। अब आ जाते हैं इसका प्रोटेक्शन पर, तो इसके अंदर आपको इजीली IP55 का डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिलता है, तो आप ओवरऑल जो भी करना चाहें इसके अंदर कर सकते हैं, वही सेम एज जैसे कि बोल रहे हैं जीप के अंदर बाहर आपको वो सब प्रॉब्लम नहीं होगा। बारिश के टाइम थोड़ा मोरा बारिश हो रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हाँ पूरा पानी में जाके डुबा के छोड़ दे तो ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि वापस आपका बजे। और अब हम लोग बात करते हैं इस फोन का लो लेटेंसी, इसका गेमिंग मोड के बारे में, लेकिन ये वाला एयरपॉड के अंदर आपका ये फीचर नहीं आता क्योंकि एक ओल्ड मॉडल है, इसके अंदर ये फीचर नहीं है। तो अगर आप गेमिंग के लिए लो लेटेंसी के लिए ही एयरपॉड लेना चाहते हैं तो ये आपका लिस्ट में नहीं है। लेकिन एक चीज है जो कि इसके अंदर ज्यादा अच्छा आपका बाकी दोनों से, वो है इसका वारंटी पीरियड। इसके अंदर आपको 2 साल का वारंटी मिलता है जबकि बाकी दोनों एयरपॉड के अंदर आपको सिर्फ 1 साल का वारंटी मिलेगा। और रहा बात प्राइस का, तो ये एयरपॉड भी आपको एग्जैक्ट 3,000 के अंदर आराम से मिल जाएगा अमेजोन फ्लिपकार्ट, जहां से भी आप लेना चाहते हैं इसको ले सकते हैं। तो ये था लिस्ट का वो 3 एयरपॉड, बेस्ट 3 एयरपॉड जो कि 3,000 का लिस्ट में आपको आराम से अभी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि 3,000 से 3,500 का अगर आपका बजट है, आप 500 एक्स्ट्रा इसमें लगा सकते हैं, तो उसमें आप कौन सा एयरपॉड ले, तो उसका नाम है ओप्पो एनगो एयर 2 प्रो। जी हाँ, नाम जैसे बड़ा वैसे इसका काम भी बड़ा, स्पेसिफिकेशन इसके अंदर बहुत अच्छा मिल रहा है, तो अगर आप 3,500 के अंदर जा सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट है, आप इसको आराम से ले सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों ये सबसे बेस्ट है, इसका स्पेसिफिकेशन के ऊपर जाते हैं। तो इसके अंदर आपको 12.4 mm का टाइटेनियम ड्राइवर मिलने वाला है जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड देगा आपको। साथ में ब्लूटूथ 5.2 मिलने वाला है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसके अंदर है और फुल्ली है, एकदम ऐसा वैसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा आपको नहीं सुनाई दे या सुनाई दे, नहीं, प्योर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और वहीं कॉलिंग में इसके अंदर आपको डुअल माइक मिलता है, दोनों में एक एक रहेगा, और साथ में AI नॉइस कैंसिलेशन भी इसके अंदर आपको मिल रहा है इनबिल्ट, तो वहां भी आप कॉल करने के टाइम कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा सराउंडिंग से। रहा बात बैटरी का, तो इसके अंदर आपको 28 आवर का फुल बैटरी लाइफ मिल रहा है विद केस, तो वहां पे आप उसको लॉन्ग टाइम चला सकते हैं, 28 घंटा तक आप लगातार चला सकते, मतलब लगातार नहीं, एयरपॉड में आपको बीच में चार्ज करने के लिए 1-2 घंटे के लिए डालना पड़ेगा। और रहा बात फास्ट चार्जिंग का, तो इसके अंदर भी आप फास्ट चार्जिंग है, आराम से उसको जब चार्ज लो हो तो उसको फास्ट चार्जिंग से यूज करके चार्ज जल्दी कर सकते हैं। और रहा बात सेफ्टी का, तो इसके अंदर आपको IP54 का डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस दोनों मिल जाता है। अब ये क्या करता है वो आपको ऑलरेडी पता है, इतना बार बार बोल के क्या करना है, जिम लेके जाना हो, बाहर लेके जाना हो, जो करना करिए आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पानी से बचा के रखिए, मतलब पूरा बाल्टी का पानी से, ताकि डायरेक्ट डूब ना जाए, ऐसे छोटा मोटा पानी से नहीं। और अब इस एयरपॉड का गेमिंग मोड, इसका लेटेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको 94 ms का लो लेटेंसी मिलता है जो कि ओवरऑल बहुत अच्छा है, आराम से इसका फुटप्रिंट सुनना चाहे किसी का भी, लेफ्ट राइट सब सुनना चाहे, कहाँ से एनिमी आ रहा है, कहाँ से आपका दोस्त जा रहा है, गेम के अंदर सब इसके अंदर सुन सकते हैं। गेमिंग मोड होना ही एक अलग चीज है, एक अलग नया फीचर है, तो वो इसके अंदर आपको मिल जा रहा है, आप उसको यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अब इसका प्राइस के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका वारंटी के बारे में आपको बता दें। इसके अंदर आपको 1 ईयर ऑफ वारंटी फुल्ली मिल जाएगा, तो 1 साल में कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप सर्विस सेंटर में ले जा करके दे सकते हैं। रहा बात प्राइस का, तो इसके अंदर आपको जो प्राइस है इस एयरपॉड को लेने का, तो वो है 3,500 रुपया। जी हाँ, 3,500 रुपया इसका प्राइस है, 500 रुपया एक्स्ट्रा दे सकते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एयरपॉड आपके लिए हो सकता है। सो गाइस, यही था, इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें से कौन सा एयरपॉड लेना है। इसके अंदर अगर आपको 3,000 या 3,500 के अंदर कोई एयरपॉड चाहिए, अगर आपको एक अच्छा ड्राइवर वाला चाहिए, आपको किसी और पे भरोसा नहीं है, आपको ड्राइवर ही एक अच्छा चाहिए, तो आप कोई भी ले लीजिए, जबरा को छोड़ के सबके अंदर आपको अच्छा ड्राइवर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वालिटी भी अच्छा चाहिए, क्योंकि जबरा एक बहुत अच्छा ऑडियो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है, बहुत एक अच्छा ब्रांड कंपनी है, तो जबरा के अंदर अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो वो वाला जाके आप ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, जबरा के अंदर आपको गेमिंग बोर्ड नहीं मिलता, तो अगर आपको एयरपॉड यूज़ करना है गेम खेलने के लिए, तो आप जबरा वाला मत लीजिए, जो बाकी तीनों आप उसमें से कोई भी ले लीजिए। और अगर आपको गेमिंग नहीं करना, आपको सिर्फ प्योर साउंड सुनना है, तो हमको ऐसा लगता है कि जबरा वाला अगर आप लीजिएगा तो 3,000 में वो मिल जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट। और उसके बाद अगर थोड़ा सा पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये वाला ओप्पो का एनको ले सकते हैं। तो अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 3,000 का बजट में आपको कौन सा एयरपॉड लेना है, क्या चूज करना है, क्या चूज नहीं करना है। अब एक काम मेरे लिए कर दीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसके बारे में सबसे पहले पता चल जाए। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को, ताकि उन लोगों को पता चले कि 3,000 का बजट अगर है उनका एयरपॉड का, या 2 या 3 या 4 जो भी है उसका बजट, तो उनको पता चले कि कौन सा सबसे अच्छा भी मार्केट में एयरपॉड मिल रहा है।
कमेंट करिए कोई क्वेरीज हो, कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, ताकि आप लोग उसके बारे में बता सके और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो वीडियो भी बना सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।